तो बीच रास्ते पर ये आंटी जी खड़ी थी, कोई इनको हेल्प करे ये इतना हैवी बैग उठाने के लिए, तो मैं मिल गया इन्हें। बीस किलो चावल घर पे आ जाओ। सामान उठाने में हेल्प चाहिए थी, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग हर आउट। अब खाओ, तुम्हारा घर है। क्या बात, कितना दूर है ऐसे आपका घर? अच्छा, मैं तो कहाँ भी जाती हूँ। 20 किलो चावल बहुत ज़्यादा हैवी होता है भाई, मतलब इतना हैवी था कि बता नहीं सकता हूँ। आंटी जी तो अंदर अंदर और अंदर लेती चली गई। तो आंटी को छोड़ के आ गया हूँ मैं, बहुत ही हैवी था और बहुत दूर था वो, थोड़ा आगे करते 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 पता नहीं कितना आगे ले चली गई। तो आज फिर से मैं एज़ यूजुअल घर से निकल पड़ा हूँ बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ एक ऑनलाइन रिसॉर्ट बुक किया जिसका नाम है U10C रिसॉर्ट। लेकिन जब मैं रास्ते से इस वक्त गुजर रहा हूँ तो इतना माइंड ब्लोइंग रास्ता है ये जाने का टूवर्ड्स द रिसॉर्ट, इट्स ब्यूटिफुल। ये पूरा जो रोड है ये ऐसे चढ़ान में जाकर आपको वहाँ तक पहुँचना है। लुक एट दिस व्यू नाउ, ये सारी ब्रोच दिख रहे हैं आपको, ये सारा समुंदर, ये सब कुछ सिर्फ 30 स्टेप्स के आसपास अवे होगा रिसॉर्ट के, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन मैप पे देख रहा हूँ तो इट्स जस्ट शोइंग मी 1 मिनट। आओ देखते हैं रिसॉर्ट किस तरह का है। दोस्तों हेलो, हाय, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं रिसॉर्ट के अंदर पहुंच चुका हूं और ये है वो खूबसूरत रिसॉर्ट जिसमें मैं आज स्टे करने वाला हूं। समुंदर एकदम सामने है प्रॉपर्टी के और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रखा हुआ है। ये इनका रेस्टोरेंट कैफ़े है और इस तरफ कुछ स्विमिंग पूल टाइप्स है जो मुझे लग रहा है ऐसा। हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे लेकिन स्लोली स्लोली। पहले हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द रिसेप्शन, टूवर्ड्स माई रूम। Let's see. So this is the entry towards my room, which is on the first floor. ठीक है, let me see the vibe of the room. क्योंकि online book किया है, देखें। इसने मुझे पहले कहा था कि room छोटा है, पर कितना छोटा है वो भी देख लेते हैं। Okay. Wow. This is the gallery. And this is sea facing. ये यहाँ पे sunset होगा अभी, beautiful सा। And this is the location. Look at this beautiful property. तो आइए मैं आपको अंदर room का दर्शन करवाता हूँ। ये है room. So it's a compact room which they mention while booking only. So this is the height and this is the room. Fully white painted. ये आपका TV और ये रहा पूरा रूम। यहाँ पे डेस्क दिया हुआ है और ये रहा वॉशरूम। हाँ, और ये रहा, वाओ, दिस इज किलर। ये ऊपर से ओपन रखा हुआ है जबकि ऊपर थोड़ी सी कुछ तालपत्री रखी है, ये बड़ा बेकार किया है। अगर ये निकल जाए तो कितना मजा आ जाए, कितना रोमांटिक हो जाएगा। तो ये तो मेरे लिए स्टील डील हो चुका है भैया, स्टील डील, क्योंकि ये मुझे मिला है सिर्फ 2150 रुपीज में। सी फेसिंग रूम विद दिस ह्यूज गैलरी। हाँ, पता नहीं लोग अकेले कैसे ट्रैवल नहीं कर पाते, मुझे तो बेस्ट लगता है अकेले ट्रैवल करना, ऐसे बैठ के अपने आप अपने थॉट्स में अपना काम करते हुए, ऐसे व्यू को देखते हुए। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, कभी ट्राई करके देखना, बहुत मज़ा आता है ऐसे अकेले ट्रैवल करने में। आई टू लव ट्रैवलिंग अलोन, लव इट टू द कोर। दिस इज वेयर आई एम चिलिंग राइट नाउ एट 11:30 PM इन द नाइट आफ्टर डिनर। पूल इज क्लोज्ड, वरना तो मैं पूल में ही चला गया होता, इतना सेक्सी वेदर रखा हुआ, इतना अच्छा वाइब है यहाँ पे। डे टू, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आई एम ऑलरेडी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द बीच। और ये देखिए यहाँ पे है ये इनका कैफे रेस्टोरेंट। को अभी लेकर चल रहा हूँ स्विमिंग पूल साइड। दे हैव अ क्वाइट बिग प्रॉपर्टी,
अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। अंदर ही अंदर आप पूरे नेचर को इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स गो टूवर्ड्स द पूल साइड। इनका पूल बंद है तो आई एम श्योर इनका पूल कुछ सही हालात में नहीं होगा ड्यू टू लॉकडाउन। ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये देखो पूल के एग्जैक्टली सामने दिस इज द व्यू एंड दैट्स माई कार। सो ब्यूटिफुल। ये यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए गजीबोस बने हुए हैं। दैट्स द रेस्टोरेंट एरिया वे यू कैन सिट ईट सम गुड फूड हैव सम गुड बियर एंड हैव अ गुड व्यू ऑफ बीच। ये बच्चों के खेलने के लिए गार्डन दिया हुआ है, जाके अंदर मस्त खेलो। इट्स अ फैमिली प्लेस, कपल प्लेस, बैचलर प्लेस। अगर आपको ऐसा कोई क्रिएटर है, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है जिसको ऐसा क्रिएटिव लिबर्टी के लिए कहीं पे पीसफुल जगह पे जाना है, एंजॉय करना है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द प्लेस। मैं कल से यहाँ पे रह रहा हूँ और इतना पीसफुल फीलिंग है इस प्रॉपर्टी की। जो पीछे बैठे हैं ना यहाँ पर, इनसे मैंने पूछा कि मुझे बीच पर जाना है, सो गाइड मी। तो उन्होंने बताया कि वेलिंगटन चर्च पे जाना है, वहाँ से आपको बीच का एक्सेस मिलेगा विच इज़ नियर उत्तन बस स्टॉप। तो लेट्स ट्राई, लेट्स गो देयर। तो ये है उत्तन बीच जो हमारे रिसोर्ट से कुछ 7 मिनट की दूरी पे था, हार्डली, नॉट मोर देन दैट। लेट्स सी द कंडीशन ऑफ द बीच। बीच तो मुझे ठीक ठीक सा ही लग रहा है। कचरा तो यूजुअली होता ही है हर बीच पे, मुंबई के पास में जो भी होती है। और ये मच्छी वालों का सब कामकाज। इस बीच का जो किनारा है ना वो लोकलाइट्स के पास में है, इसीलिए दिस साइड ऑफ द बीच इज़ नॉट दैट वेल मेंटेन्ड टाइप्स, लेकिन तो भी ठीक ठीक सा है। पर इसका जो उस तरफ का किनारा है ना, वो मैं उस तरफ गया हुआ हूँ, बहुत पहले गया था। सो आई रियली लव द फील ऑफ द बीच फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बीच। कौन सी मच्छी है ये? बुम्बील मच्छी। सो आई एम बैक टू द रिसोर्ट। आई ऑर्डर्ड ऑमलेट ब्रेड एंड नाउ आई एम हैविंग अ नाइस टाइम इन फ्रंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल बीच। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। चिल करूंगा, एंजॉय करूंगा, आप लोग भी चिल करो, एंजॉय करो। और हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। जब भी घूमने का मन करे ना, बैग उठाओ और निकल जाओ। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, लव यू।